नमस्कार, मेरे पाइसेस मित्रों, स्वागत है आपका अनिल शर्मा एस्ट्रोलॉजी जीवन में। और मैं लेके हूँ आपकी राशि और अप्रैल महीने का राशिफल। और मैं कहना चाहूँगा कि शुरुआत में ही अगर आप देखेंगे तो आपके राशिपति यानी कि जुपिटर जो है वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, वहीं अष्टमी आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये जो स्थितियाँ हैं कहीं ना कहीं दिखा रही हैं कि आपको अपनी हेल्थ के बारे में बहुत सावधान रहना होगा। और साथ ही साथ कोई ना कोई स्कैंडल जो है यानी कि आपको उलझाने का, आपको बदनाम करने का कोई ना कोई कारण जो है, कुछ लोग षड्यंत्र जो है वो बना रहे हैं, तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा। और यह चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी सूर्य और बुध दोनों ही आपकी पहले घर में बैठे हुए, वहीं षष्ठेश सन जो है आपकी राशि के ऊपर आके बैठ गया, तो कहीं ना कहीं हेल्थ को संभालना है, अपने गुस्से के ऊपर काबू करना है, ये बहुत ज़रूरी बात है। और कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा, लेकिन इस कॉन्फिडेंस में कुछ लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, तो सावधानी बहुत जरूरी है। वहीं धनेश यानी कि धन स्थान का कारक मंगल निश्चित तौर पे एक अच्छी स्थान में बैठा हुआ है, शनि के साथ आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है, लाभेश के साथ बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति है। धन के मामले में प्रगति के योग बने भी हुए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आपके सामने आएंगी। लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग आपको उलझाने को, आपको बदनाम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, षड्यंत्र आपके अगेंस्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना होगा। और वो चाहे फिर आपका फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, थोड़ा सावधान रखें, लोग आपका एडवांटेज ले सकते हैं, आपके धन का नुकसान जो है हो सकता है, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। वहीं आपके पराक्रम की बात करूं तो निश्चित तौर पे वीनस आपके पराक्रम के कारक होकर धन स्थान में बैठे हुए हैं, तो आप कोशिश करेंगे, भरपूर प्रयास करेंगे कि आपके धन की वृद्धि हो, आप पैसे से चीज़ों को बना सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कई बार पैसे से गलत डिसीजन भी बन जाते हैं, निश्चित तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपके अपने ही, आपके सिबलिंग्स ही आपसे रुष्ट हो सकते हैं, आपको नुकसान कर सकते हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो किसी डेट में आ सकते हैं, आपसे पैसे बोरो करने की स्कीम बना रहे हैं या आपके पैसे का नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं, उनकी देश विदेश की यात्रा के योग भी साथ में बने हुए हैं। तो ऐसे कुल मिला के कुछ स्थितियाँ बन गई हैं जो आपको बड़ी सावधानी पूर्वक जो है बैलेंस करनी होगी, और अपने कम्युनिकेशन को बहुत संतुलित और बहुत संयम तरीके से इसको उपयोग करेंगे तो लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। वहीं अगर आपके सुख स्थान की बात करूं, सुखेश मरकरी आपकी लगन में है, सुख पाने की लालसा किसे नहीं होती है, हर आदमी चाहता है कि उसके जीवन में सुख हो, चाहत सबको होती है, आपको भी है, मुझे भी है, लेकिन सुख पाने के लिए हमें दुख का वहन करना पड़ता है, यानी कि पहले दुख आता है फिर सुख आता है। दुख ये नहीं कि हमें पीड़ा होगी, दुख यानी कि हमें निरंतर काम करना है, दूरी बना के रखनी है, कई बार हम घर से बाहर जाके काम करते हैं, कई कई दिन हमें घर में नहीं आना होता है, तो सुख पाने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और मरकरी कंबस्ट मोशन में भी है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सावधानी पूर्वक सुख पाएं लेकिन अपनी हेल्थ का सुख ना खो दें, इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो ये सबसे ज़रूरी बात है। इस समय घर की चिंता आपको रहेगी, घर से जुड़ी हुई बातें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में घूम रही हैं, और अंडरस्टैंड कर सकता हूँ भाई, प्रॉपर्टी, घर, माँ और ये सारे रिश्ते जो हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन समय के साथ कुछ चीज़ें खुद ब खुद बनने लगती हैं, उसमें बदलाव आता है, थोड़ा संयम रखें तो निश्चित तौर पर इसमें सफलता मिलेगी। अगर मैं संतान की बात करूं तो राहु पंचम भाव में संतान भाव में बैठे हुए एक छाया संतान की ओर से चिंता दे सकती है। आपको फैमिली प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस ना मिलने के योग बने हुए हैं, तो मैं यही कहूँगा कि राहु की शांति कर लेना या राहु का निदान कर लेना किसी तरह से भी उत्तम होगा संतान प्राप्ति के लिए। नहीं तो ऐसे ग्रहों की स्थिति में जब संतान प्राप्ति के योग होते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान आप देखते हैं कि बहुत सारी लेडीज़ हैं वो 9-9 महीने तक उनकी प्रेगनेंसी जो है उसकी उनमें उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी समस्या से आप गुजर सकती हैं, उसमें मिसकैरेज, अबॉर्शन के योगा भी जो है इस समय बने हुए हैं। संतान पहले से जो आपके पास है उसकी ओर से चिंता रहेगी, उसकी एजुकेशन हेल्थ को लेकर कुछ चिंता रह सकती है, उनके बिहेवियर से आप कुछ परेशान रह सकते हैं कि ऐसा कुछ चल रहा है। वहीं ऐसा लग रहा है कि संतान घर से ही कुछ चीज़ें, जैसे ऐसी भी स्थितियाँ कई बार बन जाए कि बच्चे घर से ही चीज़ें चोरी करके ले जाते हैं, ऐसा लगता है कि आपकी ज्वेलरी जो है उसका नुकसान हो सकता है, चाहे वो आप खुद कर लें चाहे बच्चों के माध्यम से हो जाए, कहीं ना कहीं ये एक मुश्किल भरी बात दिखाई दे रही है, थोड़ा सावधान आपको रहना होगा, बहुत सावधानी पूर्वक चीज़ों का आपको निर्णय लेना होगा। वहीं अगर आपके सिक्स्थ हाउस की बात मैं करूं, जैसे मैंने पहले कहा कि सूर्य सिक्स्थ हाउस के कारकों के लगन में आपकी राशि में आके बैठ गए हैं, हेल्थ के लिए ये चिंता का विषय है, लेकिन कामकाज के मामले में, किसी कंपटीशन के मामले में कहीं आपको जुगाड़ लगाना है, आपको आगे बढ़ना है, तो उसमें निश्चित तौर पर ये आपको सफलता देगा। बस अपने गुस्से पे साथ में, क्योंकि सूर्य अग्नि है और गुस्सा है, फायर है, तो इसका मतलब अपने गुस्से पे काबू रखें तो निश्चित तौर पे आप
इस चीज़ का लाभ जो है ले पाएंगे, और एंजाइना पेन से आपको बच के रहना होगा। और बैक मसल जो है, आपके पीठ के मसल भी आपको परेशान कर सकते हैं। वहीं चंद्रमा का सेवंथ हाउस यानी कि हाउस ऑफ मैरिज में आ जाना, ये दिखा रहा है कि चंद्रमा जब इस घर में आते हैं तो अच्छा साथी, सुशील साथी मिलता है, लेकिन साथ ही साथ कोई घर में कलह की स्थिति बन जाती है, जाने अनजाने पैसे को लेके या कुछ संबंधियों के आने जाने को लेके या घर में रह रहे बड़े बुजुर्गों को लेके कोई ना कोई टेंशन बन जाती है, उनकी हेल्थ को लेके क्यों ना बन जाए, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को फ्रीडम चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि संयम के साथ दोनों ही चीज़ों को बैलेंस बनाने की कोशिश करें। इस समय अगर आप घर से अलग होकर कहीं दूसरी जगह जाके रहने की सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप रह सकते हैं, सुकून मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस वजह से आपका खुद का पीस ऑफ माइंड तो डिस्टर्ब होगा, साथ ही साथ फाइनेंशियल वरीज कहीं ना कहीं से आपके इर्द गिर्द घूमने लगेंगी। ये समय उत्तम समय हो सकता है शादी के लिए, समय उत्तम हो सकता है शादी अटेंड करने के लिए, किसी नए रिश्ते में जाने के लिए, लेकिन पुराने रिश्तों को बचाए रखने के लिए बहुत सारे एफर्ट जो है वो आपको करने होंगे। वहीं मैं देख रहा हूँ कि अष्टम भाव में जुपिटर का होना घर के किसी बड़े बुजुर्ग मेंबर का की हेल्थ जो है आपके लिए चिंता का विषय बन सकती है, कुछ आपकी अपनी हेल्थ का भी यहाँ पे दोष कमजोर जो है वो बना हुआ है, तो कुल मिला के इन सब चीज़ों को आपको संभाल के रखना होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, तो थोड़ा सावधान रहें, उसमें आपको लाभ होगा। भाग्येश आपके जो हैं मंगल इस समय बहुत अच्छी पोजिशन में है, आपकी अच्छी पोजिशन में मंगल होने की वजह से ये मैं कहूँगा कि भाग्य तो कर्म के क्षेत्र में काफ़ी आपको लाभ देना चाहता है, लेकिन कर्मेश खुद अष्टम स्थान में आ गए हैं, तो इस वजह से कुछ उलझन आपके लिए हो सकती है। उस उलझन से बचने का तरीका क्या है, हो सकता है तो सफ़ेद रंग की बर्फ़ी, प्लेन बर्फ़ी चीज़ें जो है धार्मिक स्थान में देते रहें, स्पेशली बर्फ़ी अगर देते रहें तो ये निश्चित तौर पे आपकी इस उलझन को कम करने में सहायता देगी और आपको लाभ मिलेगा। कर्म के क्षेत्र में निश्चित तौर पे मंगल शनि एक अच्छी स्थिति दिखा रहे हैं, लेकिन बृहस्पति को ठीक करना बहुत जरूरी है, तो केसर का तिल का आपको लगाते रहना बहुत अच्छा रहेगा, और उससे आपके कारोबार में, आपके कामकाज में, बिजनेस में प्रोग्रेस बनती चली जाएगी और आपको लाभ की संभावनाएं अधिक हो जाएंगी। वैसे भी मंगल शनि जब इस घर में आते हैं तो अचानक से लाभ या हानि लेके आते हैं, उम्मीद यही कि आप लाभ को प्राप्त करें, उसके लिए छोटे से उपाय जो आपको सुझाए गए उसको आप कर लाभ ले सकते हैं। लाभेश अच्छी स्थिति में है, कुल मिला के केंद्र में बैठा हुआ लाभेश निश्चित तौर पर लाभ देने की क्षमता रखता है, लेकिन बाकी चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान निश्चित तौर पे देना होगा। अगर आपके ट्वेल्थ हाउस की बात करूँ तो उसका कारक भी शनि है, तो ये यात्राएं काम से जुड़ी हुई यात्राओं को बना के दिखा रहा है, तो ऐसी यात्राएं जो छोटी और लंबी दूरी की हो सकती है, ओवरसीज जाना पड़ सकता है, उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। लेकिन इन सब के बीच जो इस पूरे महीने में आपको ध्यान देना है वो है आपकी हेल्थ, वो है आपके रिश्ते, इन सब के ऊपर अगर आप ध्यान दे के चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप इस महीने को अपने अनुकूल बना पाएंगे। नहीं तो इस महीने में काफ़ी कुछ आपको लगेगा कि जो बिगड़ा बिगड़ा सा, खोया खोया सा, परेशानीदायक आपके लिए रहेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा आपसे, बात करूंगा आपसे आपके अगले महीने यानी कि मंथ ऑफ मई के राशिफल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।